पिज़्ज़ा फ्राइज़ के लिए हमने सबसे पहले जो है पोटैटोस लिए थे, उनको पील करने के बाद उसको वाटर में जो है हमने सोक करने के लिए रख दिया था अच्छी तरह वाटर में, ताकि ये ब्लैक ना हो। ठीक है, अब हम जो है इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर लगाएंगे। कॉर्नफ्लोर क्यों लगाया जाता है? कॉर्नफ्लोर इसलिए लगाया जाता है ताकि जो है पोटैटोस क्रिस्पी हो जाए, यानी जो आपके चिप्स है वो क्रंची क्रंची सी हो जाए। ठीक है, हम अच्छी तरह इसको कोट करेंगे। इसका लगाने का तरीका ये है कि आपने पोटैटोस जो आपने फिंगर्स कटिंग की हैं उसको पहले आपने ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद आपने इसके ऊपर जो है कॉर्नफ्लोर अप्लाई करना है। कॉर्नफ्लोर अप्लाई करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मतलब स्ट्रेन करना है ताकि जितना भी एक्सेस कॉर्नफ्लोर है वो निकल जाए। ठीक है, देन आपने क्या करना है, इसको मीडियम ऑयल में डीप फ्राई करना है। ठीक है, मीडियम ऑयल पर डालने के बाद आपने इसको जो है फ़ौरन से चलाना नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा 5 मिनट वेट करने के बाद आपने इसको चलाना है। ठीक है, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी। ठीक है, जो कि मैं बना रही हूँ। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं ये अच्छी तरह जो कॉर्नफ्लोर के ऊपर कोट हो चुका है। सही है, अब हम क्या करेंगे, इसकी फ्राइंग की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट हमने जो है अब इसकी जो बनानी है वाइट सॉस, ग्रीन मेयोनीज सॉस। ग्रीन मेयोनीज सॉस के लिए हमने ले लिया है 1/2 कप जितना मेयोनीज, एंड जो है 1 टीस्पून भर के हम जो है इसके ना ग्रीन चटनी डालेंगे। ग्रीन चटनी सबको बनाने आती है, इफ़ नहीं आती तो इसमें क्या करना है, लहसुन धनिया पुदीना और नमक ये आपने डालकर इसको ब्लेंच कर लेना अच्छी तरीके से, ये आपकी जो है ग्रीन चटनी रेडी हो जाएगी। ठीक है, देन आपने 1 टीस्पून भर के जो है इसके अंदर डालना है मेयोनीज में, या आपकी जो है ग्रीन मेयो सॉस जो है रेडी हो जाएगी ज़बरदस्त सी और बहुत ही चटपटी सी। सही है, और इसमें सॉरी आपने ग्रीन चटनी के अंदर हमने जो है ग्रीन चिलीज़ भी ऐड की थी, तभी जाके तो थोड़ा सा स्पाइसी सा टेस्ट आएगा। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। एक सॉस हमारी रेडी हो चुकी है। सेकंड जो हमारी सॉस है वही पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको मिल जाएगी। ठीक है, पिज़्ज़ा फ्राइज़ है तो जाहिर सी बात है पिज़्ज़ा सॉस तो डलेगी। ठीक है, ये हमारी मिक्स हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों सॉसेस को पाइपिंग बैग में भर के रख लूँगी। ठीक है, देन हमारी देख सकते हैं चिप्स फ्राई हो गई है। मैंने जो है इसको अपने अवन ट्रे में निकाल ली है, अवन बोट जो कहते हैं जिसे, ये सिरेमिक की है। ठीक है, ये जो है मतलब जलेगी नहीं। अब हमने एक लेयर जो है पहले फ्रंट पेस की लगाई, अब मैं जो इसके ऊपर जो है श्रेडेड चिकन डाल रही हूँ। ठीक है, श्रेड की हुई थी सिंपल, मैंने इसको बॉयल किया था लहसुन अदरक डाल के और जो है काले मिर्च डाल के और सॉल्ट डाल के मैंने इसको बॉयल कर लिया था और देन श्रेड कर लिया था। ठीक है, ये अप्लाई कर दिए। अब इसके ऊपर जो है अपनी सॉसेज अप्लाई करेंगे। सबसे पहले जो है हम अपनी सॉस अप्लाई करेंगे, हम जो है इसके ऊपर अपनी पिज़्ज़ा सॉस अप्लाई करेंगे। ठीक है, जो कि मैंने पाइपिंग बैग के अंदर जो है फिल कर ली, देख सकते हैं आप, ये देखें आप, इतनी चाहे अपनी मर्जी से सॉस डाल सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो उसको स्पून से भी डाल सकते हो, पर मुझे ज़्यादा इजी इससे लगता है तो मैंने इससे डाल दिया। अब जो है हम अपनी ग्रीन मेयो सॉस है वो अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, देन अगेन जो है मैं इसके ऊपर जो है सेकेंड लेयर जो है अपनी चिप्स की अप्लाई करूँगी। ठीक है, फ्राइड फ्रेंच फ्राइज़ की अप्लाई करूँगी, देन मैं इसके ऊपर अगेन जो है अपनी लगाऊँगी, सॉरी अब हम जो है इसके ऊपर ये अपनी जो है ये थोड़ा सा जो है मैंने एक मसाला बना के रखा हुआ था वो हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। और ओरिगैनो और रेड क्रश पेपर है और इसमें थोड़ा सा है चाट मसाला। ठीक है, वो हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। ठीक है, वो हमने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया। अब हम अपनी सेकेंड लेयर लगाएंगे, सेकेंड लेयर भी इसी तरह अप्लाई करेंगे हम। ठीक है, ये हमने इसके ऊपर जो है पिज़्ज़ा चीज़ डालनी है। ठीक है, पिज़्ज़ा चीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ इसके अंदर, आप चाहें तो चेडर और मोज़रेला भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं मैंने सारी जो है सेकेंड लेयर लगा दिया। मैंने इसके ऊपर क्या किया आप ये देख सकते हैं, मैंने इसके ऊपर जो है कैप्सिकम भी डाली है जिसको जूलियन में कट किया हुआ था और ब्लैक वाले ऑलिव्स भी अप्लाई किए। ठीक है, अब हम जो है इसको जो है बेक करने के लिए रख देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बिफोर हमने जो है 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो प्री हीट कर लिया था अवन। ठीक है, अब मैं जो है इसको बेक करूँगी। ठीक है, ये वही वाला जो है मैंने इसके ऊपर जो है जो मैंने बनाया हुआ था अपना ये वाला स्पाइसेस ये ऐड किए सारे, मैंने जो मसाला रेडी किया हुआ था ये अप्लाई किया। ठीक है, अब हम चलते हैं इसकी बेकिंग की तरफ। ये देख सकते हैं आप, ये जो है मैंने इसको ओवन से निकाल लिया। अब ये बहुत ज़्यादा गर्म है, देख सकते हैं आप कितनी ज़बरदस्त से चीज़ ऊज़ कर रही है इसके ऊपर से। ये हमारा रेडी हो चुका है, मैंने सिर्फ इसको 10 मिनट के लिए बेक किया था क्योंकि सब चीज़ें इसके अंदर कुक थी
और इस वजह से, ठीक है ना, सिर्फ हमने इसको सिर्फ चीज़ को मेल्ट करना था। सो व्यूअर्स, आज की आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, काइंडली ट्राई कीजिए एंड फीडबैक ज़रूर दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।